गाड़ियों के आने के बाद बहुत जल्द ड्राइवर्स बड़ी मात्रा में मरने लगे एक्सीडेंट से। अर्ली 1900s में ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि पैसेंजर्स को कार में रिस्ट्रेन करना काफी जरूरी है, क्योंकि इंपैक्ट पर पैसेंजर्स उड़कर गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं, जो उसे और डेडली बना देता है। 1903 में फ्रेंच इंजीनियर गुस्ताव डेज़िरे लवो ने लैप बेल्ट इन्वेंट की, लेकिन जब कार मैन्युफैक्चरर्स ने सीट बेल्ट ऑप्शंस ऑफर किए गाड़ी के साथ, बायर्स ने लेने से मना कर दिया। सिर्फ 2% बायर्स ने ही इसे चूज किया। काफी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा सीट बेल्ट को। 1958 में स्वीडिश इंजीनियर निल्स बोलिन ने 3-point सीट बेल्ट को डेवलप किया, जिसमें लैप बेल्ट और डायगोनल शोल्डर स्ट्रैप दोनों थे। साइड बकल और रिट्रैक्टेबल बेल्ट के साथ ये एक मेजर ब्रेक थ्रू माना गया सीट बेल्ट टेक्नोलॉजी में। वोल्वो कार्स में इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया और इसकी इफेक्टिवनेस तुरंत दिखने लगी। क्रैशेस में डेथ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गई, मगर फिर भी इसका ज्यादा यूजेज देखने को नहीं मिल रहा था जब तक गवर्नमेंट ने लॉज नहीं बनाए 1970s में। पब्लिक अवेयरनेस से भी लोगों को इनकी इंपॉर्टेंस समझ आने लगी। आज सीट बेल्ट सेफ्टी का एसेंशियल फीचर माना जाता है एयरबैग्स के साथ।